हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप? तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों, आज हम देखने वाले टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 5.11 टू 5.15। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसमें से मैग्नेटिज्म वाला जो पॉइंट होगा ना, वो यहाँ पे खत्म होगा और नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे मैटर वाला पॉइंट। छोटा सा पॉइंट है, दो लेक्चर का काम है, तो वो वहां पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म रिलेटेड जो भी सारे पॉइंट्स है, तो उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह वो आज यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं 5.11 क्या बोला है। एट अ सर्टेन लोकेशन इन अफ्रीका कंपास पॉइंट्स 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द जियोग्राफिक नॉर्थ, द नॉर्थ टिप ऑफ द मैग्नेटिक नीडल ऑफ ए डीप सर्कल प्लेस इन द प्लेन ऑफ ए मैग्नेटिक मेरिडियन पॉइंट 60 डिग्री अबोव द होरिजोनटल, देन द होरिजोनटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड इज मेजर्ड टू बी 0.16 गॉस, then specify the direction and magnitude of the Earth's field at that location। मतलब कि आपको दिया गया कुछ भी नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। आपको ऐसा बोला है कि भाई एक मैग्नेटिक नीडल, कहीं पे आप अफ्रीका में, कहीं पे कोई एक सर्टेन लोकेशन पे हो अफ्रीका में, जहां पे आपने कंपास निकाला, तो कंपास ने क्या इंडिकेशन दिया? कंपास ने बोला कि भाई आप ना जियोग्राफिक नॉर्थ से 12 डिग्री पे हो। ये सुनो, उसका जो मैग्नेटिक पोल है, मैग्नेटिक नॉर्थ जो भी है, वो जियोग्राफिक नॉर्थ से कितने डिग्री पे है? 12 डिग्री पे है। उतना ही नहीं, उसकी जो नीडल है ना, वो होरिजोनटल से कितनी ऊपर है? तो 60 डिग्री। मतलब कि ये जो 60 डिग्री है ना, ये है एंगल ऑफ डिप। होरिजोनटल से वो नीडल ना थोड़ी ऊपर है। मैंने क्या बोला था कि अगर फील्ड लाइंस बेंड होती है, तो उस हिसाब से आपकी नीडल भी ऊपर नीचे होगी। यस नो, नीडल होरिजोनटली तो रोटेट होती है, लेकिन उसके बाद वो ऊपर नीचे वाई डायरेक्शन में भी डिफ्लेक्ट होगी अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपका फील्ड कुछ इस तरह का है, तो यहां पे अगर आप नीडल को प्लेस करोगे, तो नीडल ना इस तरह से ऊपर वाली डायरेक्शन में पॉइंट आउट करेगी, ये होरिजोनटल है, तो इतना एंगल बनाएगी, है कि नहीं? इतना एंगल बनाएगी, जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। क्योंकि जिस लोकेशन पे आपने उस नीडल को प्लेस करने की, मतलब कि नीडल को डिफ्लेक्ट करवाने की कोशिश की है, वहां पे अकॉर्डिंग टू दी फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है, ऐसा समझ लो कि वहां पे जो फील्ड है ना, उस हिसाब से वहां जिस पॉइंट के ऊपर आपने कंपास को ओपन किया है, वहां पे टेंजेंट की डायरेक्शन में आपकी नीडल स्टेबिलाइज होगी। यस और नो, सीधी सी बात है। यस और नो, वो तो टेंजेंट जिस डायरेक्शन में ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि ऐसा कुछ है, अरे ऐसा है कुछ, कव है, तो यहाँ पे ये वाले पॉइंट के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो टेंजेंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगी, है कि नहीं? तो हॉरिजॉन्टल से आप समझ सकते हो कि हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाई, ये हो गई टेंजेंट की डायरेक्शन, बस उसी डायरेक्शन में नीडल भी डिफ्लेक्ट होके स्टेबिलाइज हो जाएगी। ठीक है, तो वो भी कुछ ऐसा 60 डिग्री का एंगल ऑफ डीप बनाएगी, लेकिन यहाँ पे वो हॉरिजॉन्टल से ऊपर की डायरेक्शन में बनाएगी। आप समझ सकते हो ऐसा कुछ सिचुएशन बना होगा। ठीक है, तो ये जो 60 डिग्री दिया गया है, वो क्या है? एंगल ऑफ डीप दिया गया है। यस नो, एंड जो 12 डिग्री है, वो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन दिया गया है। तो यहाँ पे हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यहाँ पे बोला गया है कि दिस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ फील्ड इज मेजर टू बी 0.16 गॉस। तो यहां पे हमें कहीं ना कहीं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अर्थ के फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया गया है, तो डायरेक्टली वही वाला फॉर्मूला प्लेस कर देते हैं। भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, याद करो। अगर आपको याद नहीं आता है, तो जरा वो रिमाइंड कर देते। यहाँ पे हम सारे कंपोनेंट लिखे थे, याद करो। ये मैग्नेटिक डिप में हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज HE, जिसको डिनोट करते हैं इज BE cos I, है कि नहीं? BE टाइम्स cos I, या जहां पे I क्या है? एंगल ऑफ डीप है। वेरी गुड, तो ये हो जाएगा BE टाइम्स cos I। ठीक है, और हमें यहाँ पे BE निकालने को बोला गया है, तो आसान सा क्वेश्चन पूछा है, BE इज इक्वल टू क्या होगा? HE अपॉन cos I। cos I का वैल्यू, I कितना है यहाँ पे? एंगल ऑफ डीप आई होता है, और वो कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेस कर दो वैल्यू को, तो ये हो जाएगा कॉस 60 डिग्री। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना दिया गया है? 0.16 गॉस, है ना? तो यहाँ पे ये दिया गया है 0.16 गॉस, 16 गॉस। और कॉस 60 कितना होता है? तो बच्चों 1/2 होता है। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर चला गया न्यूमरेटर में, तो आप समझ सकते हो 16 × 2 = 32 हो जाएगा। तो भाई यहां पे वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना दिखेगा आपको? 0.32 गॉस, 0.32 गॉस, है ना? सो दिस इज द फाइनल आंसर, ये हमारा आंसर है।
बहुत ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, तो यहां पे यही बस आइडेंटिफाई करना है कि क्या बोला है, क्या आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, क्या निकालना है, दैट्स इट। और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, यहां पे इसकी जो डायरेक्शन होगी वो आप समझ सकते हो, कौन सी डायरेक्शन होगी आप बता सकते हो कि यहां से जियोग्राफिक नॉर्थ से 12 डिग्री पे रिफ्लेक्शन होगा, उसका डिफ्लेक्स सॉरी रिफ्लेक्शन नहीं डिफ्लेक्शन होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पे आप समझ सकते हो कि द डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ अलोंग द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में जो आपकी नीडल साउथ टू नॉर्थ वाली एक्सिस को जो भी पॉइंट आउट करेगी वो डायरेक्शन बनेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे आसान शब्द में लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है, आप कोई भी आप चाहो तो आप फ्रॉम जियोग्राफिकल नॉर्थ ये 12 डिग्री पे आप ऐसा भी बता सकते हो, या फिर आप अकॉर्डिंग टू द मैग्नेटिक एक्सिस भी इसकी डायरेक्शन बता सकते हो, ठीक है। नीडल किस डायरेक्शन में हमेशा डिफ्लेक्ट होके स्टेबिलाईज होती है, तो अपनी मैग्नेटिक एक्सिस पे। तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि द डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ अलोंग द मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो ये होगी उसकी डायरेक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5.12, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। अ शॉर्ट बार मैग्नेट हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट प्रोवाइडेड है, मतलब कि आपको अल्टीमेटली स्मॉल एम की वैल्यू प्रोवाइडेड है, दैट इज 0.48 जूल पर टेस्ला, ठीक है। चलो गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द मैग्नेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट ऑन द एक्सिस, एंड दूसरा क्वेश्चन पूछा है ऑन द इक्वाटोरियल लाइंस, मतलब कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट। मतलब कि आपको यहां पे बस इतना कहा है कि भाई आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एक बार मैग्नेट के लिए, पहले तो हम एक काम करते हैं यहां पे एक बार मैग्नेट ड्रॉ कर देते हैं। सो मान लो बच्चों कि ये हमारा कुछ बार मैग्नेट है, सो दिस इज द बार मैग्नेट, ठीक है, ये हमारा बार मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है एंड ये इसका साउथ पोल है। आपको बोला है कि उसकी जो एक्सिस होगी ना, उसकी जो एक्सिस, अच्छा ठीक है, उसकी एक्सिस भी ड्रॉ कर लेते हैं, मैं उसको ग्रीन कलर से ड्रॉ कर लेता हूं। तो ये हो गई इसकी एक्सिस, इसको थोड़ा सा नीचे से ड्रॉ करना था, सो ये हो गई उसकी एक्सिस, और उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन, तो ये हो गई उसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो आपको बोला है यहां पे कि भाई ये जो सेंटर पॉइंट है ये बाइसेक्टर है, ये उसकी मेन एक्सिस है, ठीक है। तो आपको क्या बोला है, आपको दो जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने को बोला गया है, कौन सी जगह पे, तो सेंटर पॉइंट से, मतलब कि ये वाला सेंटर पॉइंट से 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दूर ऑन दी एक्सिस वाला पॉइंट, पहला क्वेश्चन ऑन दी एक्सिस वाला पॉइंट एंड ऑन दी सेकंड क्वेश्चन ऑन दी इक्वाटोरियल लाइन। तो पहले केस में यहां से 10 सेंटीमीटर दूर मान लो ये वाले पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने, लेट से इट इज दी पॉइंट P1, ठीक है, एंड ऑन दी परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब कि यहां से सेंटर से यहां पे 10 सेंटीमीटर दूर मान लो कि ये वाला पॉइंट कोई है जो पॉइंट है P2, तो ये P2 के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो निकालने को बोला गया है, ठीक है। तो दो जगह पे आपको इंटेंसिटी निकालने को बोली है, एक तो पॉइंट P1 पे एंड एक पॉइंट P2 पे। तो चलिए पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एट पॉइंट P1 अभी ध्यान से देखोगे तो ये पॉइंट ना ऑन दी एक्सिस वाला पॉइंट है ना, ऑन द एक्सिस वाला पॉइंट। तो ऑन द एक्सिस वाले पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ऑन द एक्सिस को हम BA से डिनोट करते हैं, मुझे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, बाकी डायरेक्शन में यहां पे बता सकता हूं, जो भी डायरेक्शन होगी वो साउथ टू नॉर्थ होगी, है ना। यहां से जो फील्ड इंटेंसिटी निकलती है बाहर, नॉर्थ से बाहर निकलेगी ना, तो नॉर्थ से बाहर निकलेगी तो आप समझ सकते हो ये डायरेक्शन में जाएगी, नॉर्थ से बाहर निकल के साउथ की डायरेक्शन में जाए, तो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ में बता सकता हूं, क्योंकि यहां पे जो निकलेगी इंटेंसिटी वो साउथ से होके नॉर्थ पे गई और फिर नॉर्थ से यहां पे आई, यस और नो। तो हम ये साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन बता सकते हैं, तो डायरेक्शन तो लिखना आसान है।
बस उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ऑन दी एक्सिस बच्चों कितना इंटेंसिटी होता है, तो आपको पता है फॉर्मूला म्यू जीरो अपॉन फोर पाई। हमने बोला था ना कि इसको डायपोल की तरह ट्रीट करो। अगर मैं चाहूं तो इसकी डायपोल मोमेंट क्या लिख सकता हूं, यहां पे देखो साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में उसकी डायपोल मोमेंट होगी, है कि नहीं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो याद करो थोड़ा बहुत, डायपोल के साथ हमने कंपेरिजन भी किया था इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ, तब हम लिखे थे ये कितना होगा ट्वाइज एम अपॉन आर क्यू, है ना। जहां पे ये जो आर है वो क्या है, सेंटर से सेपरेशन है, क्लियर है। तो बस यहां पे वैल्यू ही प्लेस करनी है क्योंकि यहां पे डायरेक्टली आपको m प्रोवाइड किया गया है, सीधा सा m प्रोवाइड किया गया है। तो यहां पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू 0 अपॉन 4 पाई, दैट इज 10 टू द पावर -7 * 2 * m कितना दिया गया है, देखो m की वैल्यू आपको दी गई है 0.48, ठीक है। सो ये सीधा 0.48 डिवाइड बाय, देखो ये जो डिस्टेंस दिया गया है ना आर, वो सेंटीमीटर में हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो 10 इंटू 10 टू दी पावर -2, या फिर आप इसको लिखो 0.1, ठीक है। 10 इंटू 10 टू दी पावर -2 क्या होता है, 0.1 ही होगा ना, दैट इज होल क्यूब, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व वगैरह कर लेते हैं हम लोग। तो इसको अगर हम मैं डिवाइड करूं पहले, तो इसको ना 1/10 लिखता तो अच्छा रहता, ताकि वो पावर ऊपर चला जाएगा तो हम इसको अच्छे से समझा सकते हैं। तो एक काम करता हूं मैं, नीचे जो भी टर्म है उसको मैं 1/10 लिख देता हूं, ठीक है। 10 इंटू 10 टू दी पावर -2 होता क्या है, 10 टू दी पावर -1 होता है ना। तो ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, इसको लिखा मैंने 10 टू दी पावर -1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई वगैरह कर लो। तो आपके पास कैलसी आप कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली 48 टूजा आप समझ सकते हो 96, ठीक है। तो 2 इंटू 0.48 हमारे को आंसर आएगा 0.96। सो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर -7 इंटू 0.96 इंटू, देखो ये 10 टू दी पावर -3 होगा ना, ये 10 टू दी पावर -3 ऊपर आएगा तो 10 टू दी पावर +3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं कि ये कितना आया भाई, ये +3 हुआ, तो -7 में से +3 निकल जाए तो 10 टू दी पावर -4 बचते हैं, यस नो, 10 टू दी पावर -4 बचेंगे। तो ये हो जाएगा 0.96 इंटू 10 टू दी पावर -4 टेस्ला, इतना फील्ड इंटेंसिटी वहां पे आपको दिखेगी। आप चाहो तो इसको गॉस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि 10 टू दी पावर -4 को आप सीधा गॉस लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 0.96 गॉस, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो। एंड व्हाट शुड बी द डायरेक्शन, यहां पे डायरेक्शन क्या दिखेगी आपको, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन बताना चाहूं तो ये हो जाएगी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। उसी तरह से बी वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। बी वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, तो बच्चों बी वाले क्वेश्चन में आपको क्या सॉल्व करने को बोला है, बी वाले क्वेश्चन में आपको बोला है ऑन द इक्वाटोरियल प्लेन, मतलब कि एट पॉइंट P2। सो यहां पे एट पॉइंट P2 कितना फील्ड इंटेंसिटी आएगा इसका, तो चलिए पता लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा बी ऑन द इक्वाटोरियल, वो क्या होता है, हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये हो जाएगा म्यू जीरो अपॉन फोर पाई इंटू एम अपॉन आर क्यूब, है कि नहीं। अभी डिस्टेंस सेम है, यहां पे भी 10 सेंटीमीटर पे ही बोला है, तो यहां पे मुझे इतना समझ में आता है कि ये जो इक्वाटोरियल प्लेन पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो एक्सिस वाले पॉइंट से हाफ होती है, तो इट इज नथिंग बट हाफ ऑफ बी ए, डायरेक्टली इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका हाफ कितना होगा, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 0.96, मतलब कि मैं इसको 0.48 गॉस भी बोल सकता हूं, तो ये हो जाएगा 0.48 गॉस, ठीक है। तो बहुत सी सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन। अभी इसकी डायरेक्शन अगर लिखनी हो तो डायरेक्शन क्या होगी, तो जरा देखो ना, यहां से अगर फील्ड इंटेंसिटी निकल के यहां पे घूमेगी और टर्न होके यहां पे आएगी, तो यहां पे अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो ये डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, है कि नहीं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, है कि नहीं। तो यहां पे मैं डायरेक्शन क्या लिखा सकता हूं, डायरेक्शन दिखा सकता हूं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ वाली डायरेक्शन, क्लियर है, क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5.13 की ओर आगे बढ़ते हैं। ए शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन हैज इट्स एक्सिस अलाइन अलोंग द मैग्नेटिक नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, नल पॉइंट्स आर फाउंड ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट एट 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, the earth's magnetic field at the place is 0.36 gauss and the angle of dip is 0, then what is the total magnetic field on the normal bisector of the magnet at the same distance as the null point from the center of the magnet,
ठीक है। और यहां पे आपको नल पॉइंट की डेफिनेशन क्या बोली गई है, नल पॉइंट की डेफिनेशन यहां पे क्या कंसीडर करना है, एट नल पॉइंट्स फील्ड ड्यू टू ए मैग्नेट इज इक्वल एंड अपोजिट टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अभी ध्यान से समझो ये क्वेश्चन में क्या बोला है, पूरा यहां पे जो क्वेश्चन बोला गया है ना उसको मैं अगर एक सेंटेंस में अगर शो करूं तो आपको ये समझना है कि कोई एक अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड है जो ये डायरेक्शन में है, और टू बी स्पेसिफिक बात करो तो ये जो कंपोनेंट है वो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो यहां पे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ये डायरेक्शन में है, ठीक है। मतलब कि आप इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो आप ऐसा समझ लो कि एक अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कुछ ये डायरेक्शन में है, कुछ ये डायरेक्शन में है, और उसमें आपने किसी मैग्नेट को यहां पे आपने प्लेस कर दिया है, ठीक है। किसी मैग्नेट को यहां पे आपने प्लेस कर दिया है, यस नो। और ये जो अर्थ का ये जो फील्ड है ना वो ये डायरेक्शन में है ऐसा बोला गया है, और यहां पे जिस तरह से ये मैग्नेट प्लेस है उस तरह से आप देखोगे तो यहां पे मुझे ये दिखता है। अभी देखो यहां पे ना अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसको BH से डिनोट किया गया है, तो आप समझ सकते हो कि उसकी डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में दी गई है, तो उसकी डायरेक्शन ये डायरेक्शन में दी गई है, ये डायरेक्शन में अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और वो कितना है वो भी आपको दिया गया है, वो कंपोनेंट 0.36 गॉस दिया गया है, यस और नो। आपको बोला गया है कि आपको ना यहां पे नल पॉइंट मिल रहा है, नल पॉइंट ऑन द एक्सिस, ऑन द परपेंडिकुलर एक्सिस, तो आपको निकालना है। तो नल पॉइंट जो भी है ना वो नल पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है, जैसे कि मान लो कि यहां पे लिखा है P1 पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट है, उस तरह से एक दूसरा भी पॉइंट P2 एक ऐसा पॉइंट है कि जो ध्यान से सुनना, देखो यहां पे बोला है नल पॉइंट्स आर फाउंड ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट एट 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। मतलब कि ये जो नल पॉइंट है ना वो नल पॉइंट आपको कहां मिल रहा है, सेंटर से 14 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑन द एक्सिस, ठीक है, ऑन द एक्सिस यहां पे बोला है फाउंड ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेट एट 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो आपको नल पॉइंट कहां पे मिल रहा है, सेंटर से ऑन द एक्सिस 14 सेंटीमीटर पे, मतलब कि यहां से 14 सेंटीमीटर पे कोई एक पॉइंट मिलेगा। अभी ऐसा तो बोला नहीं है कि भाई एक ही डायरेक्शन में एक ही जगह पे मिलेगा, नहीं, तो भाई 14 सेंटीमीटर पीछे वाली डायरेक्शन में भी तो हो सकता है, यस और नो। तो आपको ऐसे दो पॉइंट मिलेंगे ऑन द एक्सिस जहां पे आपको नल पॉइंट मिलता है। नल पॉइंट का मतलब क्या है, किसी एक फील्ड की इंटेंसिटी दूसरे फील्ड की इंटेंसिटी को कैंसल कर रही है। तो जरा सोचो ना, ये मुझे मिला पॉइंट पी जो सेंटर पॉइंट से यहां पे हमने शॉर्ट स्वीट एंड शॉर्ट फॉर्मेट में हमने इसको आर से डिनोट किया, हकीकत में यहां पे आर कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो आपको ऐसे दो पॉइंट मिलते हैं, एक ये वाला पॉइंट P1 मिलता है एंड एक ये वाला पॉइंट P2 मिलता है, जो दोनों सेंटर से 14 सेंटीमीटर की दूरी पे है, और जहां पे क्या होता है कि भाई अर्थ का जो फील्ड है ना जो ये डायरेक्शन में है, और ये जो मैग्नेट में से आप समझो ना ये बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट की जो फील्ड इंटेंसिटी होगी यहां पे ऑन द एक्सिस वो ये डायरेक्शन में होगी ना, ये डायरेक्शन में होगी, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होगी। और यहां पे फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ मतलब कि उसको अगर मैं BA से डिनोट करूं, एक्सिस वाला जो फील्ड है उसको मैं BA से डिनोट करूं, तो ये जो पॉइंट P1 होगा ना वहां पे नल पॉइंट है, इसका मतलब कि जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड ये जो बार मैग्नेट है उसके द्वारा वो पॉइंट पे आने वाला एक्सिस के ऑन द एक्सिस पे आने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, है कि नहीं, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, ठीक है। तो नल पॉइंट का मतलब यह है कि यहां पे अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये बार मैग्नेट के द्वारा आने वाले मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर रहा है, यह सुनो ये इसका मीनिंग है। तो आपको करना क्या है, वॉट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट एट द सेम डिस्टेंस एज द नल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। मतलब कि आपको कहां पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो ये बार मैग्नेट के परपेंडिकुलर एक्सिस पे, बार मैग्नेट के परपेंड मतलब कि यहां पे ये एक्सिस पे उतने ही 14 सेंटीमीटर की दूरी पे, 14 सेंटीमीटर की दूरी मतलब कि यहां से ये जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, 14 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको सेंटर से 14 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑन दी परपेंडिकुलर एक्सिस जो पॉइंट है, जैसे कि P4 है एंड P3 है, तो वो P3 या फिर P4 पॉइंट पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी वो निकालनी है, वो निकालनी है। तो जरा सोचो कि ये P4 ले लो या फिर P3 ले लो,
कोई भी एक पॉइंट, दोनों पॉइंट पे सेम ही इंटेंसिटी आएगी, नो नीड टू वरी अबाउट इट। जरा सोचो कि यहाँ पे P4 पे ये जो बार मैग्नेट है उसका फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो बार मैग्नेट का फील्ड यहां से देखो, बाहर निकली एक फील्ड लाइन, यहां से घूम के यहां पे आई, और यहां से देखोगे तो ये वाले पॉइंट पे आप देख पाओगे कि ये फील्ड इंटेंसिटी ये डायरेक्शन में होगी। और ध्यान से देखो तो उसी डायरेक्शन में भाई अर्थ का फील्ड भी है, क्योंकि हमने क्या मान लिया कि यहां पे जो अर्थ है उसके तो मैग्नेटिक फील्ड यही डायरेक्शन में है, ठीक है, यही डायरेक्शन में है। आप मान सकते हो नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो भाई अर्थ के द्वारा आने वाला फील्ड तो ये डायरेक्शन में है, और यहां से जो बार मैग्नेट से जो निकले ये फील्ड लाइन की इंटेंसिटी तो उसकी भी डायरेक्शन यही है, यस और नो। तो कहीं ना कहीं P4 पॉइंट देखो या फिर P3 पॉइंट देखो, ये दोनों पॉइंट पे आपको इक्वाटोरियल पॉइंट पे आने वाली इंटेंसिटी की डायरेक्शन एंड अर्थ की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन दोनों सेम मिलेगी। तो मैं यहां से इतना तो समझ सकता हूं, क्योंकि हमें ये पॉइंट P4 या फिर P3 जो भी मानना है मान लो, वो पॉइंट पे हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो मेरे हिसाब से वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में BE है, BE मतलब कि ये मैग्नेट में से आने वाली फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, उसी डायरेक्शन में ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, तो यहां पे मैं मान सकता हूं कि टोटल इंटेंसिटी कितनी होगी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में तो दोनों का एडिशन होगा, तो मैं लिख सकता हूं BE प्लस BH के बराबर। अभी ये BH तो आपको प्रोवाइडेड है, रही बात BE की, तो BE निकालना है, बस इतना ही तो करना है। क्वेश्चन में है क्या, आपको टोटल इंटेंसिटी आप यहीं से लिख सकते हो, ये फिगर को ड्रॉ करके आपको ये टोटल निकालने को बोला है, क्वेश्चन में यही बोला है। क्वेश्चन में अगर ध्यान से गौर करोगे तो आपको यही दिखेगा, देखो व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर, नॉर्मल बाइसेक्टर मतलब कि ये नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट एट द सेम डिस्टेंस एज द नल पॉइंट, मतलब कि यहां से जो नल पॉइंट का डिस्टेंस है ना 14 सेंटीमीटर, वही डिस्टेंस पे बाइसेक्टर पे आने वाले पॉइंट पे आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने को बोला है, यस नो। तो वो कितनी होगी, हमने यहीं से देख लिया कि वो टोटल इंटेंसिटी जो आपको निकालने को बोला है वो BE प्लस BH के बराबर होगी। BH माने कि यहां पे H ही बोल सकते हो, यहां पे नोटेशन इन्होंने फिगर में BH यूज किया है, आप इसको HE से भी शो कर सकते हो, ठीक है। BH आपको प्रोवाइडेड है, दैट इज 0.36 गॉस, तो वो डायरेक्टली प्लेस हो जाएगा। रही बात BE की, तो भैया हमें BE निकालना पड़ेगा। अभी BE कितना होता है, तो ध्यान से देखना BE कितना होता है, मैं BE बोल सकता हूं कि हाफ ऑफ एक्सिस पे आने वाला मैग्नेटिक फील्ड होता है कि नहीं, तो मैं BE को लिख सकता हूं हाफ ऑफ BA इन सॉरी प्लस BH। अभी BA की वैल्यू कितनी, तो वो यहां से निकालते हैं ना, BA की वैल्यू कितनी होगी, तो भैया BA की वैल्यू निकालनी है तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं ये वाली फिगर से कि BA एंड BH दोनों सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। मैं यहां पर यह बोल सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ BA इज इक्विवेलेंट टू मैग्नीट्यूड ऑफ BH, है कि नहीं। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब कि इससे सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो बी ए इज नथिंग बट, क्योंकि आपको क्लियरली बोला गया है कि ऑन द एक्सिस पे आपको नल पॉइंट सेंटर से 14 सेंटीमीटर पे मिलेंगे, और वो नल पॉइंट का मतलब होता है वहां पे दो इंटेंसिटी एक दूसरे को कैंसिल करती है। कौन सी, ये मैग्नेट से निकलने वाली बी ए जो ये डायरेक्शन में होगी, और यहां पे अर्थ की जो इंटेंसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ये डायरेक्शन में, दोनों इंटेंसिटी एक दूसरे को कैंसिल करेगी। सो यहां पे मैं क्लियरली बोल सकता हूं, यहां पे ध्यान से देखना, तो बी ए की वैल्यू मैं निकालूंगा यहां से, तो एट पॉइंट P1, या फिर मैं लिखूं एट नल पॉइंट P1, नल पॉइंट P1, ध्यान से देखना, एट नल पॉइंट P1 मैं बोल सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू BA, मतलब कि पॉइंट P1 के ऊपर जो भी ये मैग्नेट की बार मैग्नेट की जो इंटेंसिटी आएगी उसका मैग्नीट्यूड BH के बराबर होगा, तो ही तो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, यस और नो। तो यहां से हमने बहुत बड़ा पॉइंट मिल गया, इसको हम रिजल्ट नंबर 1 बोलते हैं। तो यही रिजल्ट नंबर 1 को यहां पे अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दे तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ BH प्लस BH, है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 3/2 BH, इट इज 3/2 BH। और क्योंकि हमें यहां पे BH की वैल्यू यहां पे दी गई है, दैट इज 0.36, तो आप यहीं से उसकी वैल्यू प्लेस करके इसका आंसर निकाल सकते हो। सो 0.36 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा हमारे पास 0.54 गॉस, ठीक है।
तो ये आंसर कितना आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3/2 इंटू 0.36, क्योंकि आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया गया है। तो यहीं से हमारे पास बच्चों टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आती है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आती है 0.54 गॉस। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखो कितना आसान कितना सिंपल क्वेश्चन यहां पे पूछा था इन्होंने। इन्होंने बोला है कि भाई ये बार मैग्नेट को कुछ इस तरह से रखा है कि जिसकी वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये डायरेक्शन में आ जाए और ये जो मैग्नेट रखा है उसका ऑन द एक्सिस फील्ड जो भी है वो ये डायरेक्शन में आ जाए, ताकि आपको उसकी एक्सिस पे सेंटर से 14 सेंटीमीटर पे आपको ऐसा पॉइंट मिले जिसको आप नल पॉइंट बोल सकते हो, जहां पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये बार मैग्नेट के फील्ड का एक्सियल कंपोनेंट को कैंसिल कर दे। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट आपको कहां पे मिलेगा, वो भी आपको प्रोवाइड किया गया था कि भैया सेंटर से 14 सेंटीमीटर पे, उसी की एक्सिस पे सेंटर से 14 सेंटीमीटर पे। ठीक है, और उसी का यूज करके, ये वाले पॉइंट का यूज करके आपको इंटेंसिटी, टोटल इंटेंसिटी कहां पे निकालने को बोला, तो ऑन दी परपेंडिकुलर बाय सेक्टर पे, उतने ही डिस्टेंस पे जहां पे ये नल पॉइंट आपको एक्सिस पे मिला, उतने ही डिस्टेंस पे, मतलब कि उतने ही 14 सेंटीमीटर पे ऑन दी परपेंडिकुलर बायसेक्टर पे जो भी पॉइंट आएगा, उस पॉइंट पे आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालने को बोला है। ठीक है, और वहां पे जब हमने देखा तो हमने ये पाया कि भाई ये जो दो पॉइंट है, चाहे आप इसको P3 मानो या फिर P4 मानो, दोनों पॉइंट पे हमने देखा कि यहां से कोई एक फील्ड इंटेंसिटी निकलेगी और यहां पे ये डायरेक्शन में जाएगी, तो वहां पे ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड जो भी इंटेंसिटी आएगी, जिसको हम उसका इक्वाटोरियल कंपोनेंट बोलते हैं, तो वो इक्वाटोरियल कंपोनेंट की डायरेक्शन एंड वहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन दोनों सेम हो जाएगी, इसीलिए वहां का वो वाले पॉइंट पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बीई प्लस बीएच के बराबर, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। और वही बीई की डायरेक्शन, बीई का सॉरी मैग्नीट्यूड हम कितना लिख सकते हैं, तो जो एक्सियल कंपोनेंट होता है उससे हाफ लिख सकते हैं, यस नो। और वो एक्सियल कंपोनेंट हमें कहां से मिला, तो ये वाले पॉइंट से मिला जो उन्होंने पहले सेंटेंस में दिया है। ठीक है, तो वहां से हमने पता लगाया क्यों ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, कहीं ना कहीं दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, अपोजिट डायरेक्शन तो है लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने ये पाया कि भाई बीए का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, बीएच के बराबर। ठीक है, और बीएच की वैल्यू तो आपको प्रोवाइडेड है, तो हमने यहां पे बीए की वैल्यू बीएच प्लेस कर दी, तो देखा तो ये होगा 3/2 टाइम्स बीएच एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें 0.36 गॉस दिया गया है, उसको प्लेस किया तो हमें ये फाइनल आंसर मिल गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5.14। इफ द बार मैग्नेट इन एक्सरसाइज 5.13 इज टर्न अराउंड बाय 180 डिग्री, वेयर विल द न्यू नल पॉइंट्स बी लोकेटेड। मतलब कि अभी आपको ये बोला कि ये एक्सरसाइज में जिस डायरेक्शन में आपको ये बार मैग्नेट दिया गया था, आप उसको अगर 180 डिग्री से रोटेट कर दो, मतलब कि अभी नॉर्थ यहां पे आ जाएगा एंड साउथ यहां पे आ जाएगा, तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन तो भैया चेंज नहीं हुई, वो तो यही डायरेक्शन में है, बस यहां पे देखोगे तो अभी ये बार मैग्नेट में से जो फील्ड लाइन निकलेगी उसके वजह से यहां पे जो आपका इक्वाटोरियल कंपोनेंट होगा उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यस नो। तो मैं ये बोल सकता हूं कि भैया ये वाले केस में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन थी वो चेंज नहीं होगी, लेकिन हाँ उसका जो इक्वाटोरियल कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन 100% चेंज हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन यहाँ पे 100% चेंज होगी, क्योंकि यहां से जो फील्ड लाइन, क्योंकि फील्ड लाइन बार मैग्नेट के लिए नॉर्थ से निकलती है साउथ की ओर जाती है, तो ये वाले पॉइंट पे आप देखोगे तो ये जो BE कंपोनेंट होगा उसकी डायरेक्शन क्या आई, ये डायरेक्शन आई। ठीक है, तो आपको नल पॉइंट अभी कहां पे मिला था, वहां पे कहां मिला था, तो ऑन दी एक्सिस मिला था, लेकिन अब ये कहां पे मिलेगा, ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलेगा, क्योंकि कैंसल करने के लिए, नल पॉइंट मिलने के लिए दोनों फील्ड इंटेंसिटी अपोजिट डायरेक्शन की होनी जरूरी है, ये पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी है, यस और नो। तो नल पॉइंट की डायरेक्शन हमें यहां पे निकालनी है, तो भैया नल पॉइंट की सॉरी डायरेक्शन नहीं, नल पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस निकालना है, तो पहले तो ये समझ में आएगा कि नल पॉइंट कहां मिलेगा, तो ये वाले केस में अभी ऑन दी एक्सिस नल पॉइंट नहीं मिलेगा, अभी आपको नल पॉइंट यहां पे मिलेगा ऑन दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यस और नो। मान लो कि वो जो नल पॉइंट मिला, चाहे वो N1 बोलो या N2 बोलो, जैसे वहां पे भी हमने देखा था कि दो पॉइंट मिलते थे नल पॉइंट वाले, यहां पे भी ऐसे दो पॉइंट मिलेंगे, आप यहां से वाइड जितना डिस्टेंस ये वाले चले जाओ ऊपर चले जाओ या फिर वाइड जितना डिस्टेंस नीचे चले जाओ, दोनों जगह पे आपको ऐसे नल पॉइंट मिलेंगे जहां पे बीएच का मैग्नीट्यूड बीई के बराबर होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही होता है कि भैया नल पॉइंट हमें
एन वन या एन टू कोई भी ले लो, लेट से एट एन वन वी आर गेटिंग नल पॉइंट, ठीक है। सो हमें ये नल पॉइंट लेट से एन वन पे मिला, एन टू पे भी वही डिस्टेंस आएगा, दोनों डिस्टेंस सेम ही आएंगे, दो नल पॉइंट हमें मिलेंगे, ठीक है। लेकिन नल पॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चों? नल पॉइंट का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ बीई मस्ट बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होना चाहिए, यस और नो? नल पॉइंट का मतलब क्या होता है? ये वाली इंटेंसिटी को कैंसिल करेगी। देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा कैंसिल कर देती है। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो एंड अपोजिट डायरेक्शन हो तो ही एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, है कि नहीं? तो सबसे बड़ी चीज अपोजिट डायरेक्शन तो हमें फिगर में ही दिखती है, बस हमें ये मान के चलना है कि क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल किया तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, है कि नहीं? और ये वाला पॉइंट कितनी दूरी पे है सेंटर से? तो हमने माना वाई दूरी पे है, लेट्स से वो वाई मीटर की दूरी पे है, ठीक है, तो वो वाई मीटर की दूरी पे है, ऐसा हमने मान लिया है। तो चलिए, वैसे तो ये जो डिस्टेंस होगा ना वो मीटर में नहीं होगा, एक्चुअली वो सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। तो ऐसा मान लो कि ये जो y है वो सेंटीमीटर में, y सेंटीमीटर की दूरी पे, इतनी सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो हमें वो y निकालना है बच्चों, वो y निकालना है। तो y कैसे निकालें? तो y निकालने के लिए BE is equals to BH होना चाहिए, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन के साथ वो लिंक्ड है, इसलिए BH का वैल्यू कितना दिया गया था? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज 0.36 गॉस। तो ये तो BH तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, दैट इज 0.36 गॉस, ठीक है। व्हाट अबाउट BE? ये है इक्वाटोरियल कंपोनेंट, और इक्वाटोरियल कंपोनेंट कितना होता है? म्यू 0 अपॉन 4 पाई इनटू, आपको पता है m अपॉन, आप लिख सकते हो m अपॉन r क्यूब के बराबर, है कि नहीं? म्यू 0 अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब के बराबर, लेकिन यहां पे क्योंकि वो जो डिस्टेंस है सेंटर से वो y है, इसलिए मैं इसको लिखूंगा y क्यूब के बराबर, दैट इज इक्वल्स टू, ये कितना होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो जरा देखो आगे वाले क्वेश्चन में ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर था? एक्सिस पे आने वाले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर, ये सुनो। तो ये BH को मैं BH ना लिख के मैं यहां पे सीधा, क्योंकि अगर आप इसको आसानी से सॉल्व करना चाहते हो तो आप यहां पे अच्छा यही रहेगा, नहीं तो क्या है यहां पे 0.36 गॉस लिखोगे तो फिर ये सारी वैल्यू के साथ इसको डिवाइड करना पड़ेगा, उससे अच्छा है ये BH का वैल्यू हमें यहां पे कितना मिला था, तो BH का वैल्यू एक्सिस एक्सियल कंपोनेंट के बराबर मिला था, ये सुनो, एक्सिस पे आने वाले फील्ड इंटेंसिटी के बराबर। तो मैं BH को यहां पे लिखता हूं BA के बराबर, है ना, BA के बराबर, और वो BA कितना था? तो वो BA वहां पे वो वाले केस में BA कितना लिख सकते थे? जरा देखो ये वाले केस में अगर मुझे BA लिखना हो तो BA में कितना लिख सकता हूं, जरा देख के बताओ मुझे BA कितना लिख सकता हूं? म्यू 0 अपॉन 4 पाई इनटू, ध्यान से देखो, ट्वाइस m अपॉन, ये सेपरेशन कितना है सेंटर से? 14 सेंटीमीटर, या फिर मैं इसको लिखूं r क्यूब, अभी के लिए r क्यूब लिख देता हूं, ठीक है। तो BA का मैग्नीट्यूड कितना लिख सकते हैं यहां पे? तो म्यू 0 अपॉन 4 पाई इनटू ट्वाइस m अपॉन r क्यूब। तो जरा देखो यहां से म्यू 0 4 पाई कैंसिल, m भी कैंसिल, हमें y क्यूब निकालना है, तो मैं यहां पे देख सकता हूं कि 1 अपॉन y क्यूब किसके बराबर होगा? 2 अपॉन r क्यूब के बराबर होगा, मतलब कि अगर आप इनवर्स लेते हो तो ये हो जाएगा y क्यूब इज इक्वल्स टू r क्यूब बाय 2, है कि नहीं? दोनों साइड पे आप अंडर क्यूब ले लो तो ये y हो जाएगा y इज इक्वल्स टू r बटे 2 रेस टू 1 बाय 3। अभी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस r? r का वैल्यू कितना है? तो भैया r का वैल्यू है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने बोला था कि ये डिस्टेंस सेंटीमीटर में रखोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं यहां पे इसको मीटर में कन्वर्ट नहीं करता हूं, आंसर सेंटीमीटर में ही लेके आएंगे। तो r की वैल्यू मैंने 14 सेंटीमीटर प्लेस कर दी, एंड ये 2 रेस टू 1 बाई 3, इसका अंडर क्यूब होता है 1.2599। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें ये नया नल पॉइंट ये वाले केस में कहां पे मिलेगा? नया नल पॉइंट हमें मिलेगा 14 डिवाइड बाई 1.2599, ये हो जाएगा 11.11 सेंटीमीटर पे। सो 11.11 सेंटीमीटर पे हमें ये नया नल पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? एकदम सिंपल सा पॉइंट यहां पे दिया गया है, क्लियर है, ठीक है। तो देखो आपने क्या नोटिस किया यहां पे? आपने एक चीज नोटिस की कि जब बार मैग्नेट इस तरह से था, मतलब कि ये वाली कॉन्फ़िगरेशन में था, तब नल पॉइंट कहां पे मिला था आपको? ऑन द एक्सिस। जैसे ही आपने बार मैग्नेट को आपने उल्टा, मतलब कि 180 डिग्री पे
शिफ्ट कर दिया, मतलब कि अभी नॉर्थ पोल यहां पे आ गया, साउथ पोल यहां पे आ गया। तो देखो अभी वो जो नल पॉइंट मिलता था, जो ऑन दी एक्सिस मिलता था, वो भी शिफ्ट होके कहां पे आ गया, इक्वाटोरियल प्लेन पे, परपेंडिकुलर एक्सिस पे आ गया, है कि नहीं। तो भाई बार मैग्नेट की पोजीशन चेंज करने से क्या नल पॉइंट की पोजीशन चेंज होती है? जी हाँ, चेंज होती है। बार मैग्नेट की पोजीशन चेंज करने से नल पॉइंट भी डिफ्लेक्ट होता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, है कि नहीं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है यहां पे, देखो, ए शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ ए मैग्नेटिक मोमेंट 5.25 × 10⁻²⁺ जूल पर टेस्ला इज प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू द अर्थ फील्ड डायरेक्शन एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट द रिजल्टेंट फील्ड इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विद अर्थ फील्ड ऑन इट्स नॉर्मल बाइसेक्टर एंड ऑन इट्स एक्सिस मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स अर्थ फील्ड एट द प्लेस इज गिवन टू द 0.42 गॉस इग्नोर द लेंथ ऑफ द मैग्नेट इन द कंपैरिजन टू द डिस्टेंस इन्वॉल्व्ड। अच्छा, यहां पे आपको बोला गया है, पहले तो ये नोटिस करो, हाँ ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो उसकी दी गई है, वो नोटिस करने की चीज नहीं है। नोटिस ये करना है आपको कि यहाँ पे जो बार मैग्नेट है ना, वो कैसे रखा गया है। बार मैग्नेट को इस तरह से रखा है ताकि उसकी एक्सिस ना परपेंडिकुलर हो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से। मतलब कि आपको ये समझना है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो आपका जो मैग्नेट होगा, बार मैग्नेट, वो ये डायरेक्शन में रखा होगा, तभी तो ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, है ना। यस और नो? तो इसका मतलब ये होता है कि यहां पे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो कौन सी डायरेक्शन में है? ये डायरेक्शन में है, नीचे की ओर, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और हमने मैग्नेट को कौन सी डायरेक्शन में रखा है? ऑन दी टुवर्ड्स दी पॉजिटिव एक्सिस। मतलब कि मान लो कि वाई डायरेक्शन में या फिर वाई एक्सिस पे हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है एंड एक्स एक्सिस पे हमने ये बार मैग्नेट को रखा है। यही तो आपको बोला है यहां पे, ये तो आपको बोला कि मैग्नेट को इस तरह से रखना है ताकि उसकी मैग्नेट की एक्सिस परपेंडिकुलर हो जाए अर्थ के फील्ड के डायरेक्शन से, ठीक है। तो हमने यहां पे ये नोटिस किया, फिर मान लिया कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो वाई डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरह से पूरा मैग्नेटिक फील्ड नीचे की डायरेक्शन में। और हमने मैग्नेट कहां पे प्लेस किया है? मैग्नेट प्लेस किया है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है एंड एक्स एक्सिस पे हमारा ये जो बार मैग्नेट है उसकी एक्सिस है, ठीक है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? क्लियर हुआ? अच्छा, अभी आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट द रिजल्टेंट फील्ड इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विद अर्थ फील्ड ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर एंड ऑन इट्स एक्सिस। मतलब कि आपको वो डिस्टेंस निकालना है सेंटर से, ये जो मैग्नेट हमने बार मैग्नेट यूज किया है उसके सेंटर से हमें वो डिस्टेंस निकालना है जहां पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एंड आपका ये जो बार मैग्नेट होगा ना, उसमें से जो फील्ड लाइन निकल के यहां पे आएगी, वो फील्ड लाइन का जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, उन दोनों का रिजल्टेंट बार मैग्नेट के फील्ड से 45 डिग्री पे एंगल पे आए, ठीक है। आपको क्या निकालना है, ध्यान से सुनना, आपको क्या निकालना है, आपको आपको वो डिस्टेंस निकालना है सेंटर से, ये मैग्नेट के सेंटर से वो डिस्टेंस निकालना है, लेट से वो डिस्टेंस है आर वन, कि जहां पे अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पे जो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो रिजल्टेंट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से कितने डिग्री का एंगल बनाता हो, 45 डिग्री का। और वो एक जगह पे नहीं, ऑन दी नॉर्मल बाइसेक्टर नहीं, ऑन दी एक्सिस भी ऐसा पॉइंट निकालना है। यस और नो? मतलब कि ऑन दी एक्सिस भी एक ऐसा डिस्टेंस आपको निकालना है कि जहां पे ये जो बार मैग्नेट का जो फील्ड होगा एंड जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होगा, इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बनाता हो, 45 डिग्री का, वो आपको निकालना है। मतलब कि अल्टीमेटली बोलूं तो यहां पे आर वन एंड आर टू आपको निकालना है, ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? तो चलिए, इसको नोटिस कर लिया है तो अभी वो निकालते हैं कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर वन एंड व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर टू, ठीक है। तो चलिए, पहले तो ऑन द परपेंडिकुलर, पहला क्वेश्चन ए, ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर, तो मान लो कि वो पॉइंट कि जहां पे ये बी एंड बी ई, ये अभी ना बार बार मैं ये समझाऊंगा ना कि कहां से ये बी आया, भाई यहां से एक फील्ड लाइन ऐसे निकली होगी, यहां पे ये वाले पॉइंट पे ये डायरेक्शन में बनी होगी, तो यही होगा हमारा इक्वाटोरियल वाला हमारा इंटेंसिटी मैग्नेट का, ठीक है भाई, आएगा ना, उसकी फील्ड लाइन बनेगी, तो यहां पे एक फील्ड ये डायरेक्शन में उसका एक कंपोनेंट आएगा, ठीक है, ये मैग्नेट का एक कंपोनेंट ऑन द इक्वाटोरियल एक्सिस ये डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो हमने वो पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया कि जहां पे इन दोनों का रिजल्टेंट, जो ये बी आर है ना, बी आर रिजल्टेंट बी आर,
वो हमारे ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उससे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, और वो पॉइंट कौन सा है, लेट्स से P1, और वो सेंटर से कितनी दूरी पे है, R1 दूरी पे है कि नहीं, है कि नहीं, क्लियर है? तो वो पॉइंट हमने P1 यहां पे आइडेंटिफाई कर लिया, और वो कौन सी एक्सिस पे है, बाइसेक्टर वाली एक्सिस पे है, क्लियर है? चलिए, तो क्या आपको ये नोटिस नहीं हुआ यहां पे? देखो हमने यहां पे एक चीज तो नोटिस कर ली थी कि यहां पे जो फील्ड इंटेंसिटी है वो हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में मानी है, अर्थ का जो फील्ड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मानी है कि नहीं? तो क्या आपने एक चीज नोटिस की कि भाई ये जो रिजल्टेंट निकला ना, बी वेक्टर जो अर्थ का मैग्नेट फील्ड दिखा रहा है, एंड बीई वेक्टर जो यहां पे ये मैग्नेट का यहां पे आने वाला इक्वाटोरियल एक्सिस वाला जो उसका इंटेंसिटी वो दिखा रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके साथ, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ। क्या आपने एक चीज नोटिस नहीं की कि अगर मैं यहाँ पे ये 45 डिग्री का अगर मैं टेन मेजरमेंट लू, ध्यान से देखना, टेन 45 डिग्री में लू तो वो क्या होगा, टेन 45 सामने वाली मतलब की बीई डिवाइड बाई पास वाली मतलब की अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बी, है कि नहीं? क्या ये होगा कि नहीं होगा, होगा। टेन 45 क्या होता है, वन होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि B किसके बराबर हो जाएगा, BE के बराबर, है कि नहीं? तो क्या मैं ये वाले पॉइंट से 45 डिग्री के एंगल से क्या मैं ये बोल सकता हूं कि यहाँ पे B एंड BE दोनों सेम होंगे? अच्छा नहीं समझ में आता तो एक चीज नोटिस करो कि मान लो कि एक वेक्टर ये डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर ये डायरेक्शन में, दोनों परपेंडिकुलर है, और मैंने बोला कि दोनों का रिजल्टेंट एग्जैक्टली सेंटर में जाता है, 45 डिग्री का एंगल का मतलब क्या हुआ, अगर ये 45 तो ये भी 45, मतलब कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया ना, BR वेक्टर, वो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली बीच में सेंटर में है, इसका मतलब क्या होता है, ये कब होगा, सोचो, इन दोनों का नेट, लेट्स से सी वेक्टर, इन दोनों का नेट सी वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर बना वो सेंटर में कब आएगा, जब इसका मैग्नीट्यूड एंड इसका मैग्नीट्यूड दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, और वो 10 45 एंगल लगा के भी समझ सकते हो, या फिर आसानी से ऐसे भी समझ सकते हो कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट एग्जैक्टली सेंटर में कब जाएगा, जब दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है? तो बस वही पॉइंट को पकड़ना है, वही पॉइंट को हमें पकड़ना है, क्योंकि यहां पे देखो अर्थ का जो मैग्नेटिक अर्थ का जो फील्ड इंटेंसिटी है वो तो आपको दिया गया, दैट इज 0.42 गॉस, ठीक है? तो अर्थ का फील्ड तो आपको दिया गया, यहां पे अर्थ का फील्ड मतलब कि बी, बी माने कि अर्थ का फील्ड, ठीक है? यहाँ पे हमने लिखा है फिगर में बी मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दी अर्थ एट पॉइंट P1, ठीक है? तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो हमें यहाँ पे बी दिया गया है, वो हमने नोटिस कर लिया है। तो चलिए ये बी का वैल्यू यहाँ पे प्लेस करते हैं, दैट इज दी 0.42 गॉस, और गॉस को हम टेस्ला में 10 to the power -4 लिखेंगे। व्हाट अबाउट दी बी, बी मतलब कि इक्वाटोरियल एक्सिस पे इंटेंसिटी, वो कितनी होती है? तो भैया म्यू 0/4π m/r³ के बराबर होती है, यहाँ पे r कितना है, r1 के बराबर, तो r³ के बराबर होती है कि नहीं? इतना होगा कि नहीं होगा, जी हाँ बिल्कुल होगा। तो देखो ये म्यू 0/4π तो 10 to the power -7 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे आसानी से आप इसको लिख सकते हो, इट इज नथिंग बट 0.42 × 10 to the power -4, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 to the power -7 m/r³। तो मैं यहां से r³ को ये साइड पे ले लेता हूं, r³ यहां पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 to the power -7। देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो यहां पे दी गई है, दैट इज द 5.25 इंटू 10 to the power -2, ठीक है, डिवाइड बाय 0.42 इंटू 10 to the power -4, है कि नहीं, है कि नहीं? चलो इसको डिवाइड वगैरह कर लेते हैं, तो अगर मैं इसको डिवाइड वगैरह कर लेता हूं और 10 के पावर को एडजस्ट करता हूं, तो मुझे डिवाइड करना है यहां पे सिर्फ 5.25 डिवाइड बाय यहां पे होगा 0.42, है कि नहीं? तो ये कितना होगा हमारे पास, आएगा 12.5, तो ये हो जाएगा 12.5 इंटू 7 और 2 9 हो जाएंगे, 9 में से 4 निकल जाएंगे, तो 10 to the power -5 बचेगा, है कि नहीं? तो ये 10 to the power -5 बचेगा, और मैं इसको अगर 10 to the power -6 के फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा 125 इंटू 10 to the power -6। लेकिन बच्चों ये तो आई r³ की वैल्यू, है कि नहीं? मुझे तो चाहिए R1, तो क्या मैं R1 लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों साइड पे अगर अंडर क्यूब ले ले, 1/3 पावर ले ले, तो हमें ये मिल जाएगा, क्योंकि ये 5 का क्यूब 125 होता है, और यहां पे 3 2s are 6 होगा, तो ये हो जाएगा 10 to the power -2 मीटर। मतलब कि ये जो डिस्टेंस है ना, जहां पे आपको जो सिचुएशन बोली है कि रिजल्टेंट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से 45 डिग्री पे आएगा, वो वाला पॉइंट P1 हमें सेंटर से कितनी दूरी पे मिला, 5 × 10 to the power -2 मीटर की दूरी पे, ठीक है? ऐसा ही पॉइंट बी वाले क्वेश्चन में हमें ऑन दी एक्सिस फाइंड आउट करने को बोला है। तो मान लो कि वो जो पॉइंट P2 है वो R2 दूरी पे है, जहां पे ये
एक्सियल कंपोनेंट, एक्सिस के ऊपर आने वाला इसका कंपोनेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, ये दोनों का जो रिजल्टेंट है ना वो ये कंपोनेंट के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा हो, ठीक है। वो पॉइंट है P2, वो कहां पे लोकेटेड है, तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट एट R2 डिस्टेंस पे लोकेटेड है। तो वापिस वही स्टोरी भाई, इन दोनों का रिजल्टेंट एग्जैक्टली सेंटर पे क्यों आया, चाहो तो आप टेन 45 लगा सकते हो, या फिर आप समझ सकते हो कि क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हुआ होगा तो ही तो ये पॉसिबल हुआ। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू एक्सियल कंपोनेंट हुआ होगा, और ये कितना है, तो भैया ये 0.42 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 है, और ये कितना है, तो भैया ये म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू ट्वाइस एम अपॉन R2 क्यूब के बराबर है कि नहीं। तो सारी वैल्यू अगर आप यहां पे प्लेस कर दोगे, म्यू 0 अपॉन 4 पाई को 10 टू द पावर माइनस 7 बोलेंगे तो ये हो जाएगा 0.42 इनटू 10 टू द पावर माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7 इनटू 2 इनटू यहां पे होगा 5.25 इनटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइड बाय R2 क्यूब। तो यहां से अगर आप R2 क्यूब का वैल्यू बनाओगे बच्चों तो ये हो जाएगा R2 क्यूब इज इक्वल्स टू 10 का पावर एडजस्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 डिवाइड बाय 0.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 है कि नहीं। चलो तो इसको जल्दी से डिवाइड वगैरह कर लेते हैं, मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं, तो ये जगह 2 इंटू 5.25 दैट इज इक्वल्स टू सम 10.5 डिवाइड बाय 0.42, तो मेरे पास ये आंसर आएगा 25, ठीक है, मेरे पास ये आंसर आया 25। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर, ये 4 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा तो ये बचेगा माइनस 5, मतलब कि उसको मैं 10 टू द पावर माइनस 6 में लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा 250 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। लेकिन बच्चों ये तो R2 क्यूब हुआ ना, मुझे तो R2 चाहिए, तो दोनों साइड पे अंडर क्यूब ले ले, तो ये 10 टू द पावर माइनस 2 हो गया, 250 का अंडर क्यूब होता है 6.299, ठीक है, तो इसको मैं लिखूंगा 6.299 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, मतलब कि ऑन द एक्सिस हमें वो वाला पॉइंट कितनी दूरी पे मिला सेंटर से, 6.299 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर की दूरी पे मिला। क्लियर है, ठीक है, तो यहां पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।